नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसान आंदोलन, 6 महीने पूरे होने पर देश भर में मनाया गया काला दिवस। कोविड-19, यूपी बिहार के बुनकर बना रहे हैं अब तक के सबसे ज्यादा कफन। सरकार जिस BPCL को निजी हाथों में बेच रही है उसने 12,581 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटों में 2.11 लाख नए मामले, 3,847 और लोगों की मौत। दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर को शुरू हुए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को 26 मई को 6 महीने पूरे हो गए। 6 महीने पूरे होने पर देश भर के किसानों के साथ आम नागरिकों ने भी काला दिवस मनाया, जिसके तहत काले झंडे फहराए गए और मोदी सरकार के पुतले फूके गए। आइए देखते हैं न्यूज क्लिक की एक ग्राउंड रिपोर्ट। इस 26 तारीख को हमारे आंदोलन को दिल्ली मोर्चे में आए हुए 6 महीना हो गया। मोदी सरकार ने हमारे साथ 11 गेट बातचीत के चलाए। 22 जनवरी के बाद गलबात में डेडलॉक हो गया। उसके बाद में उसने कोई गलबात करने का कभी प्रयास नहीं किया। इस आंदोलन में इतने लोगों ने जो हिस्सा लिया, लोगों की हमदर्दी बनी, आंदोलन लहर बना और दुनिया के दूसरे देशों के मुखियों ने, उनकी जनता ने इस आंदोलन की हिमायत की। इस आंदोलन की कामयाबी हिमायत का सबसे बड़ा एक तो गुर यह है कि हमारा आंदोलन पुरअमन है। दूसरा, इनकी मांगे हैं जो वो जायज हैं, किसानों की मांगे तो हैं, वो आम देश के खपतकार खाने वाली जो रोटी खाता है उसकी मांग है। इसलिए सभी लोग सपोर्ट करते हैं कि वे किसान पुरअमन रहकर शांति से अपनी जहां मांग मांगते हैं, देश के लोगों की बात करते हैं, देश के संघी ढांचे को बचाने की बात करते हैं, देश के बीच फिरका प्रस्ती के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बिल जो लाई है सरकार पिछले 9 महीनों से 5 जून को, उसको खत्म करने के लिए ये हमारा आंदोलन है। ये बिल खत्म नहीं होते, ये बिल रिपील नहीं होते तो ये किसान है जो 80% देश का हिस्सा है, लोगों को अन्न उगा के देते हैं, मनुष्य है जो अन्न से चलता है, तो उसको खत्म करने के लिए ये बिल लिया है, तो उसको रद्द कराने के लिए आंदोलन चलेगा। पूरे 6 महीने हो गए आज हमें दिल्ली की सड़कों पे बैठे हुए अवरोध करते हुए, और मोदी सरकार इतना बड़ा आंदोलन, आपने भी बोला कि ये ऐतिहासिक आंदोलन है क्योंकि इसमें महिलाओं ने, मजदूरों ने, बच्चों ने, सबने पार्टिसिपेट किया और ये एक जन क्रांति है। हम जिस दिन पंजाब से चले थे उस दिन हमने ये कहा था कि हम 6 महीने के लिए अपना सारा सामान खाने पीने का लेके जा रहे हैं, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। सो आज जो हमारा प्रण था पंजाब से आने का, 6 महीने का जो हम कह के आए थे, वो 6 महीने आज पूरे हो गए और आज से हम नया अगला स्टेप चलाएंगे। वो स्टेप हमारा असल में तो 24 तक चलेगा, 2024 तक, जब तक ये BJP सरकार है जो खत्म नहीं हो जाती, सत्ता से उतर नहीं जाती, उतनी देर हम बैठेंगे नहीं। जमहूरी हुकूमत, लोकतांत्रिक हुकूमत के अंदर लोगों की चुनी हुई सरकार ने जो मोर्चे पर बैठे हुए किसान हैं इनको इग्नोर कर दिया है। इनकी बात सुनने के लिए मुड़ के कोई इसका हल नहीं निकाला, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, कोई जतन नहीं किया। इसको उठा देने के लिए जितने जतन किए हैं बहुत सारे हमने फेल किए हैं। लोगों को ये बताने के लिए हमने, एक तो कारण ये है, ये बताने के लिए हमने इस दिन को चुना। दूसरा, 26 मई को 2014 को इनको पूरे 7 साल सत्ता संभाले हुए हुए, सत्ता संभालने के बाद देश की जो दुर्दशा की है वो आपके सारे के सबके सामने है। रोजगार की, पब्लिक सेक्टर की, हवाई अड्डों की, कोले की खाना वगैरह, जितना पब्लिक सेक्टर कारपोरेट कराने के मुनाफे के लिए जितना काम किया है उसमें बैंकों का क्या हाल कर दिया, हवाई अड्डों के का, एयरपोर्टों, पब्लिक सेक्टर को सारे को बेचने का जो प्रयास है लगी इन किया है वो सारे लोगों के सामने है। पूरे देश में कोविड-19 की वजह से कपड़ा उद्योग भारी नुकसान झेल रहा है, मगर बिहार के गया और उत्तर प्रदेश के मऊ, बनारस, आजमगढ़ जिलों के बुनकर कफन की मांग को पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। देश भर में मौतों की संख्या बढ़ने की वजह से कफन की मांग बहुत ज्यादा हो रही है। करघा मालिक और कर्मचारियों ने बताया कि पहले वो गमछा, चादर और लुंगी बना रहे थे, मगर कोविड की दूसरी लहर में कफन की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। एक करघा मालिक द्वारका प्रसाद ने न्यूज क्लिक को बताया, हमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों से भी कफन की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। महामारी से पहले हम एक दिन में 1,000 से 2,000 कफन सिलते थे, अब हम एक दिन में 40 से 50,000 तक कफन सिल रहे हैं।
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की जिस कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL को निजी हाथों में बेचने जा रहा है उसने जबरदस्त मुनाफा कमाकर दिया है। BPCL का मुनाफा 7 गुना बढ़कर 19,041.67 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सवाल यही बना हुआ है कि सरकार लाभ में है और सुचारू रूप से चलने वाली कंपनी को निजी हाथ में क्यों सौंपना चाहती है, जबकि इसके कर्मचारी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी का निजीकरण करने जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की BPCL ने बुधवार को 12,851 करोड़ रुपए के लाभांश की घोषणा की। इसमें से आधे से अधिक राशि सरकार को जाएगी। सरकार ने कंपनी के निजीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू की हुई है। शेयर बाजार को दी सूचना में BPCL ने कहा, कंपनी के निदेशक मंडल ने 2020 से 21 के लिए प्रति इक्विटी 58 रुपये अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है। इसमें 10 रुपये के शेयर पर एक बार की 35 रुपये का विशेष लाभांश शामिल है। यह सिफारिश शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर है। पेट्रोल की कीमत गुरुवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर को पार कर गई, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 99.94 रुपये प्रति लीटर हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा जारी मूल्य अधिसूचना के मुताबिक गुरुवार को पेट्रोल 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल 29 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। यह इस महीने में 14वीं बढ़ोतरी है, जिसके चलते देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। हालांकि इससे पहले 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव के दौरान 2 सप्ताह से अधिक समय तक दाम में कोई बदलाव नहीं आया था। पेट्रोल की कीमत पहले ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में 100 रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी थी और गुरुवार को महाराष्ट्र भी इस सूची में शामिल हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार यानी 27 मई को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,11,298 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 3,847 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 2,83,135 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 2,73,69,093 हो गई है, जिनमें से अब तक 3,15,235 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 90% यानी 2,46,33,991 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। इसी के साथ देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 8.84% यानी 24,19,907 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 20,26,95,874 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 18,85,805 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। Thank you.